अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार, आपका दोस्त आपका होस्ट आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ऐसी कॉइन के बारे में बात करेंगे जिस कॉइन ने लोगों को करोड़पति भी बनाया और देखते देखते दोस्तों करोड़पति भी बना दिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग तथ्य आपके साथ में लेके आते रहते हैं और स्टॉक मार्केट, मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्रिप्टो करेंसी या कहें फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, लोन, सभी के बारे में वीडियो लेके आते रहते हैं, जिसलिए कि हम आपका अवेयरनेस करते रहते हैं कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना करना चाहिए और कितने रिस्क फैक्टर रखने चाहिए अपने को कि अपन आने वाले टाइम में यानी कि अपने इनकम को बढ़ा सकें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उस कॉइन का नाम है, यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे BTCN, यानी कि दोस्तों BTCN यानी कि बिटकॉइन नेटवर्क, BTCN को जैसे आप सर्च करेंगे जब देखेंगे कि अभी जिसकी जो प्राइस चल रही है 0.0073 ओके सेंट। अब इंडियन करेंसी की अगर अपन बात करें है ना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा आप थोड़ा सा। यहाँ पे अगर अपन INDइंडियन सर्च कर लेते हैं और आज इस कॉइन की कीमत चल रही है मात्र 50 पैसे। ये कॉइन कुछ समय पहले आपको पता है कितने रुपए की हुआ करती थी, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर इनके बात करें, ये है जो मार्केट सप्लाई है वो भी 60% सॉरी अभी 11,42,600 काफ़ी ज़्यादा गया हुआ है और इनका वॉल्यूम भी दोस्तों 94% का इंक्रीजिंग हुआ है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों कैसे क्या होता है। टैगलाइंस की अगर बात करें, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर डेवलप किया हुआ कॉइन है। वही थोड़ा सा मैं आपको नीचे लेके चलूँगा और मैं आपको बताऊँगा क्यों कैसे क्या हुआ। यहीं पे अगर अपन बात करें इस कॉइन की, ये कॉइन दोस्तों 4.5, जी हाँ दोस्तों 17 जून को 450 रुपये पे गया हुआ कॉइन था और वहीं अभी जस्ट आज 2 घंटे पहले 21 अगस्त यानी कि आज की डेट 20 अगस्त को यह कॉइन मात्र 20 पैसे पे आ गया, यानी कि आज इंक्रीज हुआ। आज 21 अगस्त है तो आज की डेट में देखें तो इसने 30 पैसे की ग्रोथ की है और 10% की तो अभी जस्ट की है, जो पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे कुछ कारण से वो हमें डिलीट करना पड़ा। तो ऐसा डिफरेंसिव कैसे 2 महीने के अंदर? हाँ, अगर कोई कॉइन अगर मार्केट से कैप अप करे तो 450% डाउन, यानी कि पूरे की पूरी धरातल पे आ चुकी है, यानी कि 1% भी नहीं बचा। ऐसा क्यों, क्या है, कोई स्कैम तो नहीं है ये? जी दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, इसने -12% का रिटर्न माइनस में दिया है और इनकी मैक्सिमम सप्लाई है दोस्तों वो देखिए 21,25,000, 1,000, 2,000,00,000, 10,00,00,000, 2 करोड़ से ऊपर है दोस्तों। और बात करते हैं अभी इनके चार्ट और फंडामेंटल के ऊपर जब जाएंगे तो आपको बता देता हूं मैं। ये जब ये कॉइन जब लॉन्च हुई थी दोस्तों, ये देखिए 400 से ऊपर यहां पे आपको दिखाने वाला हूं मैं। ये शुरुआती जो सिनेरियो, ये जून के अंदर ही इनका लॉन्च हुआ था जहाँ तक ये चार्ट शो कर रहा है इनका, ये देखिएगा, यानी कि जून के इर्द गिर्द ये स्टार्टअप हुई ओके। और उसके बाद में ये डाउनफॉल आया इसका, ये डाउन आते आते अच्छी खासी डाउन आ गई, फिर वापस से इसने ग्रोथ पकड़ी, फिर दोस्तों इसको इन्हें धीरे 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 करके एकदम से डाउन आ गई। और बात करें अभी ये 33 पे थी कुछ टाइम पहले 11 अगस्त को, और आज अगर देखे जाए तो फिर ये 12 अगस्त को ये 85 पैसे पे आई और फिर से इसने थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया अपना और वापस से 36 रुपये पे आ गई और वापस से एक रैंडम सा मोमेंट लिया इस कॉइन ने। ये देखिए एक की जो ये बन रहा जोन यहाँ पे, आपको अगर थोड़ा समय, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक जो रैंडम जोन बन रहा है और जस्ट यहाँ पे भी एक रैंडम जोन बना, फिर क्या हुआ पहला रैंडम जोन बना, ये उसने ग्रोथ ली, वापस यहाँ पे आई और फिर वापस से ये यहाँ पे आई। अभी ये स्लो फॉल चल रहा है यहाँ पे, अभी ये लाइन यहाँ पे चल रही है,
और ये जब यहाँ से देखा जाएगा तो यहाँ पे ये बढ़ती हुई नज़र, यानी कि बढ़ती हुई नज़र में आ रही है दोस्तों। तो अगर अपन बात करें मोटे मोटे तौर पे, ये कॉइन यहाँ से वापस ही वो रैंडम जोन ले सकती है, कंफर्मिंग नहीं है, ले सकती है। और 50 पैसे के आपके एक कॉइन 30-31 रुपये पर भी जा सकती है नेक्स्ट लेवल पे। फर्दर ये अनुमान है आपका, बट ये कहें अपन तो 50 पैसे की कोई ना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मामूली भर भी पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। जैसे कि अपन फर्दर अगर 1000 का भी इन्वेस्ट करेंगे अपन, तो 50 पैसे का कॉइन है अपना, तो अपने को 2000 कॉइन मिलती है। और अगर ये कॉइन 10 रुपये की भी जाती है तो 2000 के बन जाते हैं अपने, 10 रुपये के अकॉर्डिंग 20000 बन जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट क्या हुआ आपका 1000। अगर यहीं 30% का क्रॉस करेगी दोस्तों तो ये आपको काउंट कर सकते हैं लगभग कुछ ही समय बाद में आपके 1000 के 60000 भी बन सकते हैं। ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है इसमें। दूसरी ओर अगर अपन देखें कि ये कॉइन इतना फ्लक्चुएट हो क्यों रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे का, इसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों इतना डाउनफॉल आया है इस कॉइन के अंदर। यहाँ पे अगर अपन जब देखेंगे ये कॉइन कौन से मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड है वो देखिएगा। ये दो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है दोस्तों, एक तो PancakeSwap और एक MDEX। MDEX और PancakeSwap दोनों एक्सचेंज एक ऐसे एक्सचेंज जो डिसेंट्रलाइज है, जिससे कि ओनर अपनी लिक्विडिटी निकाल सकता है। अगर आपकी कॉइन है, अगर आपको कॉइन नहीं बनाना आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो बनाएंगे। एक पहले भी हमने वीडियो बनाया था जिसमें से एक पार्ट डिलीट हो गया था कुछ कारणवश। और MDEX और PancakeSwap दोनों में से अगर आपने अपनी कॉइन लॉन्च कर रखी है तो वहाँ से आप अपनी लिक्विडिटी निकाल सकते हो और उस कॉइन को डाउन कर सकते हो। अगर यही कॉइन अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो तो इतना डाउनफॉल नहीं होगा इस कॉइन में। तो आप PancakeSwap और MDEX के ऊपर ये कॉइन बाई कर सकते हो और रिस्क उठा सकते हो। ज़्यादा की रिस्क नहीं उठानी अपने की, $10-20 की रिस्क उठाइए, क्या पता कुछ ही टाइम बाद में यही डॉलर आपके कन्वर्ट होते $10-20 $100 से लेकर $1000 तक बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।